हेलो जी, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपका भाई भी मस्त है, टन टनाटन है। तो भाई साहब, अभी हम अरुणाचल प्रदेश के बोलेंग में और यहाँ पे ना दो दिन से फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हुए हैं पहले आप सामने का मौसम देखो। दो दिन से ना भाई साहब कंटिन्यू बारिश हो जा रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और अभी ना हमें निकलना है मेचुका, तो अभी सुबह के 7 बजे हैं, बट हमने 6 बजे जगा था यार। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं सोच रहा हूँ बारिश रुकेगी फिर यहाँ से निकलेंगे, बट कोई नहीं, बारिश कंटिन्यू, हमें निकलना ही पड़ेगा। और आज ना हम मेचुका के आसपास पहुँच सकते हैं, हालांकि मेचुका यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी दूर है, बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे आसपास पहुँचने का। और मैं ना आपसे एक चीज़ बताता हूँ, मेरा ना ILP बना है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 30 दिन का। तो मैं सोचा रात में कि 30 दिन में ना कंटिन्यू 30 ब्लॉग डालते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 30 दिन में मेरे जितने सारे पैसे खर्च होंगे वो मैं 30 डेज के लास्ट आपको वीडियोज में कंटिन्यू बताता रहूँगा। इनसे क्या होता है, बहुत सारे भाई जो नॉर्थ ईस्ट करने वाले हैं, तो उनको अरुणाचल में अगर वो एक मंथ देते हैं तो एक मंथ में मैं कितने सारे प्लेस कवर कर पाता हूँ, सारे डीपली करना है, और कितने मेरे पैसे खर्च होते हैं उनसे एक वो अनुमान लगा सकते हैं। तो मैंने ये सोचा, और देखते हैं आज से हमारी कितनी पैसे खर्च होती है दिन का, वो आपको रात में बताएंगे ब्लॉग में। और 30 डेज का कंटिन्यू ब्लॉग आएगा, और जितने सारे फेमस प्लेस, मतलब फेमस प्लेस कहा जाए, साइट सीन, जितने सारे खूबसूरत विलेज है आपको वो एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोग 30 दिन कंटिन्यूस वीडियोज में बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, अपना सामान सब पैक करते हैं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, अगर बारिश छूट गई फिर यहाँ से निकल जाएंगे। बट भाई साहब, यहाँ का जो आज सामने का नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत है। सुबह सुबह अगर 6 बजे जग के, 5 बजे जग के देखोगे सामने, ये बादल जो आप देख रहे हो ना, ये भी ऊपर है, ये सारे नीचे रहते हैं। ठीक है, अपना सामान सब पैक करते हैं, फिर यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। सब काफ़ी वेट करने के बाद अभी ना बारिश रुक चुकी है और हम यहाँ से निकल भी गए हैं। बट भाई साहब एक चीज़ बताऊँ, यहाँ ना सुबह सुबह भैया एक आए थे 5 o'clock, 5:30 o'clock, भैया ना सुबह सुबह 5 केक दिए और पानी की बोतल दी, बोले आप लोग ना ब्रेकफास्ट कर लेना। और भाई साहब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप आते हो घूमने के लिए बोलेंग, तो भाई साहब यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है, थोड़ी सी चलता है वो आप जियो, अगर आपके पास जियो सिम है तो वो यहाँ पे इंटरनेट काम करेगा। तो अगर आप आते हो नेक्स्ट टाइम कभी घूमने के लिए, तो भाई साहब जियो का सिम लेकर आना, नहीं तो नेट का काफ़ी दिक्कत आता है। ठीक है, अभी निकलते हैं यहाँ से। और काफ़ी खूबसूरत विलेज है और यहाँ के लोग भाई साहब काफ़ी प्यारे हैं, काफ़ी प्यारे। ठीक है, अभी चलते हैं हाईवे पे। हाईवे का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, चलते हैं ब्रिज पे, फिर वहाँ से लिफ्ट ट्राई करते हैं। आप ना इनको देखकर अनुमान लगा सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ बारिश हुई दो दिन से, रास्ता पूरा जाम पड़ा है, जंगल साइड होके जा रहे हैं। ये तो यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, कोई नहीं, ऊपर से ट्राई करते जाने का उस साइड से। चलो भैया उस साइड से, नहीं रास्ता नहीं, पूरा पानी जमा है, सूझ भीन जाएगा, चलो उस साइड चलते हैं। आप ना पिछले वाली ब्लॉग्स जाके देखना, ये पानी ना कितना ब्लू था, बट अभी आप देख सकते हो इनका कलर पूरा चेंज हो चुका है, मिट्टी कलर हो चुका है। और ये पानी ना चाइना से आता है भाई साहब, चाइना वाले ना सारे गंदे पानी अपने इंडिया की ओर छोड़ देते हैं। पता नहीं यार, उस दिन देखा मैंने सामने बहुत ज़्यादा ब्लू था, बट अभी जाके मैंने सडनली मॉर्निंग जाके देखा था, ये पूरा ना गंदा हो चुका था। काफ़ी वेट करने के बाद एक लिफ्ट मिल चुकी है, बट भैया ना यहाँ से बोलेंग जाएंगे, बोलेंग यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है। ठीक है, वहाँ से चलते, फिर वहाँ से आलू के लिए लिफ्ट ट्राई करेंगे। चलो भैया बैठो। ऐसा बारिश में ना पूरा भींग चुके, आप देख सकते हो गया। थैंक यू सर लिफ्ट देने के लिए। कोई गाइड कर रहे हैं क्या आपको? ना सर, अकेले घूम रहे हैं। दिक्कत है? दिक्कत नहीं है सर, हमें निकलना है यहाँ से संगम ब्रिज। और एक चीज़ मैं और ना बता देता हूँ, अगर कोई भाई यूट्यूबर्स हो या कोई भी हो, अगर वो घूमने आते हैं बोलेंग, उनके पास कैश खत्म हो जाता है, तो आप सामने देख रहे हो पेट्रोल पंप, यहाँ आके अपना आप कैश निकलवा सकते हो। मैंने भाई साहब कल निकाला था 100 रुपीज़, और अभी तक मैंने सुबह से कुछ खर्च नहीं किया हो, तो मैं ना अब पूरी जो खर्च करूँ वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, अभी तक तो खर्च कोई नहीं किया है। ठीक है, यहाँ से भी लिफ्ट ट्राई करते हैं संगम ब्रिज के लिए, वहाँ से फिर आलू के लिए गाड़ी इजीली मिल जाएगी, बट रास्ता ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने ब्रेकफास्ट के लिए केक लेते हैं, मतलब 5 रुपये यहाँ पर हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ब्रेकफास्ट हो जाएगा,
फिर यहाँ से आगे के सफर शुरू करते हैं। पाँच रुपये चेंज नहीं होगा? चेंज नहीं है, किले दे दो पाँच का। हाँ हमारे 10 रुपये खर्च हो गए। ठीक है थैंक यू भाई साहब। 5 रुपये के सामान लेने गए थे और 5 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गए। कोई नहीं, केला भी एनर्जी ड्रिंक है, अच्छा सा ब्रेकफास्ट हो जाएगा हमारा। भाई साहब ये रही हमारी सुबह की दूसरी लिफ्ट और भैया जा रहे हैं संगम ब्रिज। संगम ब्रिज पहुंच जाएंगे फिर वहां से इजिली हम आलो पहुंच सकते हैं, वहां से बहुत सारी गाड़ी चलेगी। अरे यार परेशान हो गए यार, बारिश बारिश की बारिश में भींग भींग के लिफ्ट ट्राई कर रहे हैं। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम राजा पाडू। राजा पाडू? पाडू, PADUNG। ओ पाडू जी। आप यहीं से हो? मैं खुद पागिन का। पागिन जी? आपको मैं पागिन तक पहुंचा सकता हूं। ओके सर, थैंक यू सर लिफ्ट देने के लिए। अरे वो तो मेरा फर्ज है, किसी जिसको जरूरत है जी जी उसका सहायता करना ही भगवान का ये है, सबसे बड़ा काम है सर, सबसे बड़ा काम है। तो जी आप लोग देख रहे हो अरुणाचल के पीपल कैसे होते हैं, वो आप लोग सारे ब्लॉग में देख ही रहे हो ना। काफ़ी हेल्पफुल है यार, काफ़ी हर जगह हेल्प करते हैं। रात में अगर कहीं फंस जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई अपना फैमिली समझ के कोई हेल्प कर रहा है। ठीक है अभी पहुंचते हैं संगम ब्रिज। आदित्य भगत यूट्यूब पे रोवर आदित्य। क्या यूट्यूब पे रोवर आदित्य? यूट्यूब पे ना जी जी। क्या बोला? आदित्य भगत। भगत भगत BHAGAT। ओके सर थैंक यू। चलो चलो चलते हैं सर। तो भाई साहब अभी पहुंच चुके हैं संगम ब्रिज और यहां से भी चलना है आलो। बट ये जो सर ने लिफ्ट दिया तो इन्होंने इनका घर ना पैंगिंग है, पैंगिंग विलेज यहां पे है। यहां से लगभग 20-30 किलोमीटर आगे है वो विलेज भी एक्सप्लोर करना है, काफ़ी खूबसूरत विलेज है। और सर ने आप देख लो, सर ने नंबर दिया है, अगर आप तवांग जा रहे हो, सॉरी तवांग बोल रहा हूँ मैं, अगर आप मेचुका जा रहे हो, अगर मेचुका में आपको वहाँ पे स्टे करने के लिए दिक्कत आती है तो आप ना उनसे कंटेक्ट करना, वो मेरे लेसन के हैं, या फिर आप मुझे कॉल करना, मैं आपको वहाँ पे रहने के लिए जगह दे दूँगा। और सर ने बोले कि आप ना मेरे विलेज में आके एक दिन स्टे करना। तो ठीक है जब मेचुका से वापस मुझे यहाँ ही आना, इसी रूट पर आना पड़ेगा क्योंकि मेचुका से आगे कोई रास्ता है नहीं। तो ठीक है चलते हैं और आते वक्त सर के साथ भी एक दिन सर के विलेज में स्टे करेंगे और यहाँ से भी लिफ्ट ट्राई करना पड़ेगा आलो के लिए। मेचुका का रास्ता ना बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि यहाँ से हमें लग नहीं रहा है कि डायरेक्ट कोई गाड़ी मेचुका जाएगी, तो आलो तक तो जाएगी, वहाँ से फिर मेचुका के लिए ट्राई करेंगे। और तभी से काफ़ी वेट करने के बाद लिफ्ट मिल चुकी है बट भैया जा रहे हैं 15 किलोमीटर। ठीक है खोलना भैया, ठीक है अपना सामान रखते हैं पहले। हाँ लग गया। ठीक है भाई साहब चलते हैं और आज उम्मीद तो आलो तो पहुंच जाएंगे, आलो यहाँ से नज़दीकी है। और आलो से आगे ना मतलब मेचुका से पीछे एक विलेज है कम की, मैं अभी नेट पे देखा और काफ़ी खूबसूरत विलेज है, तो कोशिश करेंगे मेचुका पहुंचने का। बट काफ़ी दूर है मेचुका, तो आज ना कमकी में हम अपना टेंट लगाएंगे, मतलब रात हमारी कमकी में बीतेगी। ठीक है देखते हैं आगे क्या होगा, मुझे भी पता नहीं है, कोई भैया लिफ्ट देती है तो आगे निकल जाएंगे, नहीं तो फिर आज यहीं स्टे करना पड़ेगा कमकी में। क्या नाम भैया आपका? विनोद बसुमतारी। आवाज़ नहीं आई भैया। विनोद बसुमतारी। और विनोद बसुमतारी ये भैया जी ने लिफ्ट दिए, थैंक यू भैया जी, धन्यवाद। ओके भैया जी धन्यवाद, चलते हैं फिर मिलेंगे। तो एक मिनट भाई देख देना। तो भाई साहब अभी पहुंच चुके हैं आलू बोल रहा था मैं, आलू। अभी ना शाम के 3 बज चुके हैं और यहाँ से साइड में एक विलेज है काबू, उनके साइड में भी एक विलेज है पेंगकैंग। तो आज यही दो विलेज चलते हैं, उनका डिस्टेंस यहाँ से 7 किलोमीटर है, 7 से 8 किलोमीटर। तो उम्मीद देखते हैं पैदल ही कवर करते हैं, पैदल नहीं तो फिर कोई लिफ्ट लेके विलेज पहुँचते, आपको विलेज दिखाते हैं, वहाँ के लोगों से भी मिलवाएंगे। कुछ ऐसा लोकेशन है आलो का। मैं भी मार्केट में इंटर नहीं किया हूँ, मैं मार्केट से पीछे हूँ, मार्केट वो आगे रहा यहाँ से 1 किलोमीटर, आपको वहाँ जा के दिखाते हैं। तो ये है जी आलो का मेन मार्केट, आप देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट है। हाँ मैं भी शायद कंफर्म नहीं हो। अंकल ये आलो का मेन मार्केट है, मेन मार्केट पीछे मेन मार्केट, और ये कौन सा जगह है?
नेहरू चौक, ये भी आलो में ही है? आलो का ही है। ओके 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 थैंक यू। आलो का पोस्ट। तो ये है जी आलू का मेन मार्केट। तो भाई साहब हम ना अभी आलू के मेन मार्केट से ही बाहर निकले, बट वहाँ ना इतना ज़्यादा रश नहीं था, हमको लगा कि आगे होगा मेन मार्केट, बट यहाँ आए तो ये आलू से हम लोग थोड़ी आगे बढ़ चुके हैं। और हम लोग ना अभी जा रहे हैं काबू विलेज, काफ़ी सुंदर विलेज है, मैंने देखा भी, वहाँ चलते हैं। और वहाँ का हॉस्पिटलिटी भी अच्छा है, ऐसा कुछ बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ ये भाई, क्या होता है वो, क्या होता है वो जो मतलब उनका वो करते हैं, मेहमान सबका अच्छे स्वागत करते हैं, हॉस्पिटलिटी नहीं यार, हॉस्पिटलिटी ऐसा कुछ है, हॉस्पिटलिटी कंफर्म याद नहीं भाई, माफ़ करना, लेकिन मैं देख के बताऊँगा मैं। हॉस्पिटैलिटी वहाँ का अच्छा है मैंने देखा। ठीक है अभी चलते हैं विलेज। भाई माफ़ करना यार, अच्छे से नहीं बोल पाए आप, मत ये मत कहना कि पढ़े लिखे नहीं है, मैं बहुत सारे वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाता हूँ। ठीक है अभी चलते हैं विलेज, काऊ विलेज। तो यहाँ से भाई साहब काबू विलेज की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, बट आप ना यहाँ का सामने का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं यहीं पे जाके किसी से परमिशन लेके कैंप लगा दूँ, बट यहाँ से 3 किलोमीटर आगे चलते हैं। और आप भाई समझ सकते हो जब इंटर इस मौसम का है, मतलब इतना खूबसूरत हो रहा है, तो भाई साहब विलेज कितना खूबसूरत होगा वो तो विलेज जाने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई साहब आज ना हम आप लोगों को एक शायरी सुनाने जा रहे हैं, जो अभी मैंने सडनली एक चीज़ को देख के मैं खुद माइंड में सोचा, एक भैया से हमने भी लिफ्ट ट्राई किया, वो भैया आगे गया और फिर ब्रेक ले लिया और फिर आगे निकल गया, हमें लगा कि वो रुक गए होंगे बट वो फिर आगे कंटिन्यू निकल गए। तो हमने इसी पर सोचा कि इंसानियत भाई हर एक के अंदर ज़िंदा है, इंसानियत हर एक के अंदर ज़िंदा है, लेकिन वो ज़माने का माहौल देखकर विचार बदल लेते हैं। मतलब वो भैया रुके थे, उन्होंने सोचा कि इनको लिफ्ट दे देते हैं, फिर उन्होंने सोचा होगा कि कैसा होगा नहीं होगा, बट वो निकल गए, दुनिया का वो जो माहौल है वो देख के विचार उसका चेंज हो गया, भैया आगे बढ़ गए। तो भैया कमेंट्स करना ये मेरा थिंकिंग कैपेसिटी आपको कैसा लगा, मेरा माइंड का आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, मेरे मन में मैंने सोचा, इसलिए बोला आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है वही लिफ्ट वाली बात, लिफ्ट लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं काबू विलेज। ओके भैया जी धन्यवाद। जी जी जाता है वो सुमो काउंटर से होके जाता है काउंटर से, हम लोग लिफ्ट लेके चलते हैं, आप लोग लिफ्ट लेने मुश्किल हो जाएगा भाई, हमें बाद में अंदर फूल होके जाने से लिफ्ट नहीं मिलेगा, कोशिश करेंगे भैया, ट्राई कर लीजिए, ट्राई करें। ओके थैंक यू। ठीक है भैया ओके 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 ओके। तो भाई साहब प्रवेश कर चुके हैं, आपको दिख रहा होगा सामने काबू विलेज, काफ़ी खूबसूरत है, अभी इंटर किया है, चलते हैं अंदर। और भैया ना 1 किलोमीटर लिफ्ट दिए थे, हम लोगों ने ज़्यादा कवर ही कर लिए, बट भैया आए सडनली गाय, हमने लिफ्ट ट्राई भी नहीं किया, भैया गाय रोक दिए, बोले कहाँ जाना, बोले काबू विलेज, बोले चलिए आपको छोड़ देते हैं, आप यूट्यूबर होंगे, भैया ने खुद बोल दिया। ठीक है विलेज प्रवेश करते हैं और यहाँ के लोकल लोगों से टेंट लगाने की जगह पूछते हैं, फिर आपको उनसे बातें भी कराएंगे, उनसे मिलाएंगे भी। किन्हीं से सडनली बात करते हैं और फिर आप भी देख लोगे कि हम लोग अगर किन्हीं से टेंट लगाने की जगह के लिए परमिशन मांगते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो मैं आपको आज लाइव दिखाने वाला हूँ। फिलहाल अभी कोई भैया तो मिल नहीं रही है, खोजते हैं एक मिनट। हेलो भैया जी, इधर टेंट लगाने का जगह मिल जाएगा के लिए? हाँ जी जी रात भर के लिए बस। ये दुकान का मालिक को पूछ के देख लीजिए, हाँ उसमें सामने में बना था दुकान वहाँ पे। हाँ हाँ ये आगे में। ओके ओके थैंक यू। ठीक है भैया बोले आगे दुकान है, इनसे पूछते हैं जगह के लिए, पहले भैया से बात की, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात किया क्योंकि बहुत सारे ना पहले अच्छे से बात नहीं करते हैं इसलिए, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो पहले प्यार से बात करते, भैया ने बात किया बहुत ही काफ़ी प्यार से बात किया रास्ता बहुत कीचड़ वाला है। तो भाई साहब टेंट लगाने के लिए जगह मिल चुकी है, पहले अपना टेंट लगाए या पहले विलेज घूमे पता नहीं चल रहा है, या ये कर सकते हैं अभी टेंट लगा के, क्योंकि आपको पता होगा मेरा लिप सूख रहा है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, वही मॉर्निंग में 10 रुपया मैंने खर्च किया था, एक केक खाया था 2 केले खाए थे,
ये बात नहीं भाई, हंसो मत भाई साहब, ये नहीं कि पैसे नहीं है, पैसे है भाई, खर्च कर सकता हूँ, बट ये कि पूरी नॉर्थ ईस्ट हमारी अभी 6 मंथ की जर्नी है, थोड़ी सी मैनेज करके चलना पड़ेगा। कोई नहीं, भूख लगती है, बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है। और अभी ना पहले यहाँ पे कैंप लगाते हैं, इस जगह पे, जगह काफ़ी खूबसूरत है, दिक्कत भी कोई बात नहीं, भैया बोल ही दिए हैं, यहाँ लगाते हैं। और मॉर्निंग भाई साहब आपको ना विलेज घुमाएंगे, कितना खूबसूरत है। और उनसे ही बड़ी बात ना, यहाँ पे गाय माता को देख के ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, कितने सारे गाय माता है। हाँ, सेटिस्फाइड होने के लिए पूछ लेते भैया को, ठीक है। तो भाई साहब कैंप तो यहाँ भी लगा सकते हैं, बट जो इस गांव के मेन मुखिया है, आप लोग हाँ मुखिया ही बोल सकते हो, उनसे का परमिशन ले लेते हैं, वो जहाँ बोल देंगे फिर हम लोग वहाँ पे टेंट लगा लेंगे। वहाँ भी लगा सकते हैं, अच्छा खासा जगह है पीछे आप देख सकते हो, बट पहले उनसे मिल लेते, देखते हैं वो सर क्या बोलते हो, क्योंकि वो गाँव के मुखिया हैं, तो उनका क्या सोच है, वो कैसे बात करेंगे, वो आपको दिखाते हैं आज। बट भाई साहब यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा गाय है, ये देखो आप कितने सारे हैं। जाता है, हाँ। क्या भैया क्या पढ़ती है? नहीं समझे, हिंदी नहीं आती आपको क्या? हिंदी नहीं आती? हिंदी बोल रहे हैं, क्या क्या बोलो भैया? कहाँ से आ रहा है? बिहार से। क्या करने है? बस्ती देखने है? नहीं घूमने, हाँ बस्ती देखना, आपको बस्ती घूमने के लिए वीडियो बनाने। मुखिया कौन भैया गाँव का? घर वो तीन हम दोनों को भी तो रख जी 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 वो ओके स्कूल देखे तो स्कूल स्टॉप में, ठीक है पहले उनसे मिल लेते हैं। हाँ क्या आंटी? नहीं दिन को आना है ना, रात को नहीं, रात हो गई, शाम हो गई, हम लोग यहाँ से मेचुका निकलने वाले थे बट शाम हो गई इसलिए यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। हाँ क्या आंटी? काम है से अभी परमिशन लेते हैं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है गाँव के उनसे परमिशन लेते हैं, ठीक है चलते हैं। वो रहा इस गांव के मुखिया जी का घर, उनसे पूछते हैं, आपको लाइव दिखाते हैं सर क्या बोलते हैं। रास्ता किस साइड से? उस साइड से ना, उस साइड से। तो भाई साहब दरवाजा ना समझ में नहीं आता किस टाइप का है, कैसे करके विक्रम भाई खोले प्रवेश करते हैं। पहले चलो पूछ लेते हैं, चलो पूछ लेते हैं पहले, फिर गेट तो लॉक करना ही है ना। तो जी ये रहे, अरे कहाँ से? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या कहाँ से आए? हम लोग सर बिहार से आए हैं। क्या करने के लिए? हम लोग मेचुका जा रहे हैं, तो नाइट हो गए, हमें इस विलेज में स्टे करना है। वैसे भी हम लोग विलेज भी एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, तो सोचा अभी थोड़ी आपकी विलेज में स्टे करना है रात भर के लिए। आप यहाँ के मुखिया हो ना? हाँ। इसलिए सारे पहले पूछ लिए कि गांव के मुखिया कौन है, तो आपका घर दिखाया तो आपके घर के पास आए। तो क्या करना है अभी? टेंट लगाना है हम लोग को, तंबू, उनके लिए जगह चाहिए सेफ। तंबू लगा के बैठेगा? जी जी। ये कहूंगा आलिया की दुकान लगा। तो जी सर से बात किए हैं, अब देखते हैं सर क्या बोलते हैं, उम्मीद तो जगह सर दे देंगे रात बिताने के लिए, देखते हैं। कहूंगा आलिया की दुकान लगा, आइए। आए सर? हाँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या आंटी जी? आपको हिंदी नहीं आती? कोई नहीं कोई नहीं। आप लोग कितना बार अरुणाचल में आए हैं? हम लोग सर तवांग पूरा घूम लिए, जीरो घूम लिए, अभी इस पहले बार आना ना, कहीं हाँ फर्स्ट बार आ रहे। ठीक है सर, कैंप लगाने तो मिल जाएगी? कैंप लगाना जरूरी नहीं, यही पर बस कैंप लगा क्या करेंगे, ये सांग है बस। हम लोग जो कहेगा वो कहिए। ओके सर, तो जी सर बोल रहे जी आप टेंट नहीं लगा सकते हो, आप यहीं पे सोगे हम लोग के साथ। ओके ओके सर, रख लेते हैं सामान रख के। सर बोल रहे टेंट लगाना जरूरी नहीं है, और खाना जो हम खाएंगे वही आप लोग खाएंगे,
ठीक है, अपना सामान रखते थोड़ी सी पहले फ्रेश होते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग, ये 3 किलोमीटर हमने 2 किलोमीटर कवर कर लिया था, 1 किलोमीटर भैया ने लिफ्ट दिया था। काफ़ी खूबसूरत विलेज है भाई, भैया ने बुलाया है और कल आपको ना पूरे अच्छे से घर का टूर कराएंगे। और भैया ये चिकन है ना, चिकन ये चिकन हो गया, और ये भी ये मतलब फ्राइड चिकन मसालेदार, और ये क्या भैया? लोकल चाय। लोकल चाय, चाय चाय लोकल चाय, अपोंग 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 लोकल चाय बोलते हैं, अपोंग लोकल चाय। ठीक है, अभी खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। टेस्टी है भैया, सेम जो मेरे घर में बनता है ना, वो टेस्ट है, सेम टू सेम। हाँ, ऐसा चिकन ही सेम मेरे घर में बनता है, ये पूरा मसालेदार। और ये वाला मैं फर्स्ट टाइम बैठ ट्राई करूँगा। मैं तो पहले नहीं खाया, वो जो क्या बोलते हैं, नहीं ये मैं कभी नहीं खाया, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। एंड ये क्या है बताना? ये पता, मिर्ची का पाउडर। ये मिर्ची का पाउडर है, मिर्ची का पाउडर है। ये फ्राई है, मतलब इसमें मसाला नहीं पड़ा है, ये फ्राई है। और उनको मतलब आग में बर्न किए, और मतलब आग में बर्न किए। काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी टेस्टी है। तो भाई साहब, मुझे ना लग रहा था हमारा खाना हो चुका है, क्योंकि भैया ने काफ़ी ज़्यादा चिकन खिला दिया था, बट अभी फिर भैया ने बोला कि आप लोग खाना खाने आ जाओ। ये देख लो हमारा खाना आ चुका है जी, और ये चावल, और ये चिकन, और ये शायद साग है, बॉयल है, ये राजमा है ना, मतलब ये राजमा बॉयल है। ओह, तो ये जी आंटी जी रहा, और ये अंकल जी जो इस गाँव के मुखिया है, इन्होंने इन्वाइट किया था। ठीक है, अपना खाना खाते हैं, और आपको ना हम दिखा देते हैं हम लोग आज कहाँ सोने वाले हैं, क्योंकि हम लोग टेंट लगाने वाले थे, बट अंकल जी ने कहा कि आप ना मेहमान हो, आप घर में स्टे करो। आपको दिखा, इस गांव में जो भी आते हैं ना, उनको इस रूम में स्टे करने के लिए मिलता है, मतलब ये मेहमान का रूम है। आप रूम देख सकते हो कितना लग्जीरियस है। तो ठीक है, अभी ना चलते खाना खाने के लिए, सर हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, चलते खाना खाने के लिए। और आज का प्रोग्राम इतना रखते हैं, लेकिन भाई साहब एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, आज हमारे 10 रुपये खर्च हुए, हाँ सुबह 10 रुपये खर्च हुए, भाई कहीं नहीं खाना गए, और अभी ना अच्छे से खा लेंगे यहाँ पे। 10 रुपये हमारे खर्च हुए, और हमने 60 से 70 किलोमीटर ट्रेवलिंग किया बाय हाइचैकिंग, और आज हमारा पहला दिन था, तो काफ़ी अच्छा भी था। ठीक है, अभी चलते हैं खाने के लिए, और आज का भाई कल का ब्लॉग देखना आप, कल ना इस गांव में कुछ फंक्शन होने वाले हैं जो सर अरेंजमेंट करेंगे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, बट आप देख लेना, काफ़ी खूबसूरत होगा अरेंजमेंट, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अंकल जी काफ़ी दिल के साफ लगे, काफ़ी अच्छे लगे, गाँव के मुखिया है, मुझे मिल के काफ़ी मज़ा आया। तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, चलते हैं खाना खाने के लिए, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद। Oh,